जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो टाइटैनिक का नाम जरूर आता है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक के बारे में कहा गया था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया, जबकि उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस वक्त सबसे लंबे और तेज चलने वाले जहाज बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बीच होड़ मची थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 13 मार्च 1909 को 3000 लोगों के साथ बनाना शुरू किया और 26 महीने बाद यानी 31 मई 1911 में यह बनकर तैयार हुआ। इसके डेकोरेशन का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा। कहा जाता है कि टाइटैनिक इतना बड़ा था कि इसमें 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते। इस जहाज को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियां थी जिनमें सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था और चौथी चिमनी केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह वाटर टाइट थे। $7.5 मिलियन की लागत से बने इस जहाज में दुनिया की तमाम सुविधाएं मौजूद थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। कहते हैं जब ये अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तब इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज पर जल्दी से सफर पूरा करने का काफी दबाव था क्योंकि यह सदी का सबसे बड़ा जहाज होने के साथ यह अटलांटिक महासागर को सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज का खिताब भी अपने नाम करना चाहता था। कहा जाता है कि 14 अप्रैल को जहाज के कप्तान स्मिथ को रास्ते में आइसबर्ग होने की 6 बार चेतावनी मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाज की स्पीड कम नहीं की। उन्हें लगा आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, पर जैसे ही आइसबर्ग सामने आया जहाज की स्पीड ज्यादा होने के कारण वह समय पर नहीं मुड़ पाया और 11:40 पर आइसबर्ग से टकरा गया और जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और पानी तेजी से अंदर आने लगा। जहाज में मौजूद सभी लोग ऊपर की ओर भागने लगे। तभी जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स को निकाला गया, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स ही थी जिनकी कैपेसिटी 65 यात्रियों की थी। लेकिन घबराहट और जल्दी में लाइफ बोट्स में केवल 20 से 25 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन स्मिथ को सारी जानकारी होने के बावजूद नावों को बिना भरे ही क्यों जाने दिया गया। इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। जहाज डूबने की खबर मिलने के बावजूद वहाँ मौजूद म्यूजिशियन जहाज के डूबने तक म्यूजिक बजाते रहे, जिससे कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपना आखिरी समय खुशी से बिता सके। और आइसबर्ग से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस घटना में करीब 1517 लोगों की जान गई, जिनमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी की वजह से मारे गए थे। इस दुर्घटना से करीब 710 लोगों को बचा भी लिया गया। टाइटैनिक के डूबने को लेकर कई थ्योरीज सामने आई, जिनमें कुछ लोगों ने कैप्टन स्मिथ और कुछ ने टाइटैनिक की बनावट को लेकर इसके डूबने के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक के अवशेष कनाडा से 650 किलोमीटर दूर 3843 मीटर की गहराई में मिले और ये जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया और दोनों हिस्से एक दूसरे से 600 मीटर दूर मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने उस दिन अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इसलिए उन लोगों की जान भी चली गई जो टाइटैनिक में सफर नहीं करना चाहते थे।